IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। हाथरस के सासनी में अवैध खनन माफियाओं के आगे जिला प्रशासन पूरी तरह पंगू बना हुआ है। प्रशासन की आंखों के आगे बेखौफ खनन माफिया अवैध तरीके से मिट्टी का खनन कर रहे हैं और प्रशासन को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। सासनी में उपजाऊ जमीन से मिट्टी का कटान हो रहा है। न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि प्रशासन इस गोरख धंधे पर लगाम नहीं लगा पा रहे। तहसील के अधिकारियों से शिकायत करने पर अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते। सासनी से देव प्रकाश की रिपोर्ट। स्वामी जी आपका कहाँ रहते हैं? मरगढ़ में रहते हैं। क्या मामला है ये चक्रोड का? मतलब ये है कि ये मिट्टी उठवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पता नहीं। इन्होंने चक्रोड भी काट डाला। तो उपजाऊ जमीन है ये? उपजाऊ जमीन है। तो इसमें आपने शिकायत नहीं करते हैं आप लोग के ये चक्रोड भी काट रहे हैं ये जैसी भी? शिकायत क्या, ये पीछे काम हो रहा है, रात में काम चल रहा है, अब महात्मा कहाँ तक शिकायत करे, किससे करे? कहने का मतलब ये आपकी रास्तों को भी नेस्त नाबूद कर रहा है। तो ये जैसी भी चल रही है? जैसी भी चल रही है, मट्टी ले जा रही है यहाँ से। सासनी क्षेत्र में जेसीबी द्वारा खेतों में से और चक्रोड़ों के सहारे से मिट्टी कटान जारी है, जिसके द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों से जो दिन रात लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। प्रशासन बेखबर है। सासनी से देव डिवीजन न्यूज़।